Let's do question number third of exercise 9A, that is linear equation when variable. Question number third is verify. हमें verify करना है by substitution that. Substitution का मतलब होता है जो भी value दी गई है, जो भी इसमें variable है उसकी जो value दी गई है उसको रख के देखना है और verify करना है. Verify का मतलब है हमें ये देखना है कि इसकी जो ये left hand side है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3x माइनस द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इज x इक्वल्स टू 4. वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 आएगा अगर x की वैल्यू 4 होगी, ये बताना है. तो हमें लेफ्ट साइड कौन सी है ये देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट साइड कहलाती है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड कहलाती है. अब वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड में है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे क्या ये 7 की इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है. तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू उतार दी हमने सिर्फ 3x माइनस 5 और हमने x की वैल्यू क्या रख दी क्योंकि हमें x की वैल्यू 4 दी हुई है तो 4 रख के देखी तो 4 रखी माइनस 5 तो ये कितना होता है. अब देखिए यहां पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3 4 जा 12 माइनस 5 तो ये कितना आ गया 7 आ गया 12 में से 5 गया और 7 ही हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ था तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड. जब भी वेरिफिकेशन हो अगर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू दे रखी थी वो सही है. x की वैल्यू यहाँ पे 4 ही आएगी. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द रूट ऑफ 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 9 इज x इक्वल्स टू 3. क्या इसका रूट x इक्वल्स टू 3 ही आएगा तो सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 9 होगा अगर x की वैल्यू 3 हुई तो हम अपनी लेफ्ट साइड देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें 3 प्लस 2x दे रखी है तो देखिए 3 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज x की जगह वैल्यू लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है तो ये 3 प्लस अब 2 और 3 के बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लीकेशन हो गई 2 3 जा 6 तो ये कितना आ गया 9 ही आ गया और राइट हैंड साइड पे हमें 9 ही दे रखी है तो यस लिख दीजिए क्योंकि लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो यस x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 9 का रूट है. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज द रूट ऑफ 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इज x इक्वल्स टू 2 है. वो कह रहा है 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 का रूट x इक्वल्स टू 2 है कि नहीं है ये बताना है. तो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट है हमारा 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 तो हमारी देखिए लेफ्ट साइड क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 5x माइनस 8. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल दे रखे हैं तो हम पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट करेंगे फिर राइट साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 5 इंटू x की जगह 2 लिख दिया माइनस 8. अब क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टू जा 10 माइनस 8 तो ये कितना आ गया 2 आ गया. अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड दे रखी है 2x माइनस 2 तो देखिए 2 इंटू x की जगह हमने 2 लिख दिया तो ये कितना आ गया 2 टू जा 4 माइनस 2 तो 2 ही आ गया. अब क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं यस x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ किसका रूट है रूट ऑफ 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 आंसर. लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट इज द रूट ऑफ
8 माइनस 7y इक्वल्स टू 1 इज y इक्वल्स टू 1. क्या 8 माइनस 7y इक्वल्स टू 1 का रूट x y इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है, ये बताना है. तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं. फोर्थ पार्ट है हमारा 8 माइनस 7y इक्वल्स टू 1 है इक्वेशन, और y हमें 1 दे रखा है. तो हम लेफ्ट साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है 8 माइनस 7y. तो 8 माइनस 7 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 8 माइनस 7 किया तो 1 आया. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. तो यस, हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 1 क्या है, इज अ रूट ऑफ 8 माइनस 7y इक्वल्स टू 1 का रूट है. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज द रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल्स टू 8, और z 56 है. तो ये देखना है कि z अपॉन 7 का रूट इक्वल्स टू 8. रूट देखना है कि अगर z 56 है तो z अपॉन 7 क्या 8 के इक्वल है कि नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी, तो वो है हमारी z अपॉन 7. तो z हमें पता है 56 है अपॉन 7, तो वो कितना आ गया है 8. तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. तो हम कह सकते हैं यस, z इक्वल्स टू 56 इज अ रूट ऑफ, रूट है किसका, रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल्स टू 8 का आंसर.